हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये मैंने उस वीडियो में बताया था, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, 7-8 एग्जाम्पल्स मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर के कराए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो कि किसी सेट के ऊपर डिफाइन होता है और 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 1, रिफ्लेक्सिव, 2, सिमेट्रिक एंड 3, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर के 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। थ्योरम्स क्या होगी कि अगर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हैं आपके पास तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, और अगर R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स जो रिलेशन होता है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये 2 थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं। साथ ही साथ में यूनियन की जो कंडीशन होती है 2 रिलेशन के बीच में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बीच में, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या यूनियन भी हमारा 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारी है यहाँ पर, फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ R1 एंड R2 आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है, R1 और R2 दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A पर। मतलब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये दोनों के दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई ऑलरेडी करेंगे। अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 हम निकालेंगे, 2 रिलेशन का इंटरसेक्शन हम जब निकालेंगे दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा। ठीक है, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन अगर करें तो वो भी जो हमारा सेट बनने वाला है, रिलेशन बनने वाला है, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट थ्योरम में। ये इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिख देते हैं, चूंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, देन बोथ आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। देन टू शो डैट तब हमें प्रूफ करना है कि R1 का इंटरसेक्शन अगर हम R2 रिलेशन के साथ करते हैं इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको भी हमें प्रूफ करना है कि ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और अगर आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो इसका मतलब इसमें भी हमें 3 कंडीशन होल्ड करानी होगी। 1, R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए हम रिफ्लेक्सिव पहले प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक एंड फिर हम ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन हमें R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए करनी होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने मान लिया कि लेट x कोई एलिमेंट है जो कि A में बिलोंग करता है, देन बाय द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ R1 एंड R2 xx आपका R1 में भी बिलोंग करेगा चूंकि R1 रिफ्लेक्सिव है, चूंकि R1 जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है, और साथ ही साथ में जो हमारा xx एलिमेंट है वो R2 में भी बिलोंग करेगा चूंकि R2 भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कि ये जो xx एलिमेंट है R1 में भी बिलोंग करेगा बाय द रिफ्लेक्सिव कंडीशन ऑफ R1, एंड R2 में बिलोंग करेगा बाय द रिफ्लेक्सिव कंडीशन ऑफ R2। अब अगर ये दोनों एलिमेंट दोनों के दोनों रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब अगर हम इसको कॉमन ले तो कॉमन लिया जा सकता है, और कॉमन आएगा तो सिंपल सी बात है वो किस में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, और ये कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए हो जाएगी, है ना। और अगर xx एलिमेंट हमारा
R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, तो इससे शो होता है कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन को होल्ड करता है। R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने लेट किया कि कोई x और y दो एलिमेंट हमारे ए सेट में बिलोंग करते हैं, है ना। तो x y का अगर पेयर बनाएंगे और हम कहते हैं वो R1 रिलेशन में है, ऐसी सेम तरीके से हम x y का पेयर बनाएंगे और हम कहेंगे कि वो R2 रिलेशन में है, ठीक है। तो बाई चूँकि हमारा R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों के दोनों सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, है ना। R1 एंड R2 दोनों के दोनों सिमेट्रिक होंगे। अगर सिमेट्री होंगे तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर एक्स वाई हमारा आर वन में होगा, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स भी हमारा आर वन में बिलोंग करेगा बाय द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेम तरीके से अगर एक्स वाई आर टू में है, तो बाय द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वाई एक्स भी हमारा आर टू में बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी जाएंगे। देयरफोर अगर एक्स वाई हमारा एलिमेंट देखे तो वो हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज अगर इधर एलिमेंट देखते हैं, ये भी एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी जाएगा। दिस इम्प्लाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, मतलब अगर एक्स वाई एलिमेंट हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में है, तो वाई एक्स एलिमेंट भी आर वन इंटरसेक्शन आर टू में है। और इससे शो होता है कि जो आर वन इंटरसेक्शन आर टू है वो हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इज सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, थर्ड होती है ट्रांजिटिव। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। उसके लिए हमने तीन एलिमेंट माने, एक्स वाई जेड, ये हमारे ए में बिलोंग करते हैं। और चूंकि आर वन आर टू दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर वन आर टू दोनों ट्रांजिटिव भी होंगे। और ट्रांजिटिव होंगे तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये कहती है आपको कि अगर एक्स वाई एलिमेंट हमारा आर वन में है एंड वाई जेड एलिमेंट हमारा आर वन में है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि वाई का पेयर हम एलिमिनेट कर देते हैं और एक्स और जेड का पेयर बनता है, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनेगा जो कि हमारा आर वन में बिलोंग करेगा बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम कंडीशन हमारी होगी आर टू के लिए, अगर एक्स वाई कोई एलिमेंट हमारा आर टू में है और वाई जेड हमारा कोई एलिमेंट आर टू में है, तो दिस इम्प्लाइज जो एक्स जेड होगा वो भी हमारा आर टू में बिलोंग करेगा। क्यों लिखा है हमने इसको, क्योंकि आर वन आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर वन और आर टू दोनों के दोनों ट्रांजिटिव होंगे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये दोनों लाइन लिखी है। अब इन दोनों से ये हमारी इंटरसेक्शन की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है एक्स वाई, ये आर वन में भी है आर टू में भी है, ठीक है। अगर ये एक्स वाई आर वन आर टू दोनों में है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी जाएगा। एंड वाई जेड हमारा जो एलिमेंट है वो आर वन में भी है आर टू में भी है, इसका मतलब जो वाई जेड एलिमेंट होगा वो हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में भी जाएगा। दिस इम्प्लाइज आप देख सकते हैं कि जो इधर एक्स जेड एलिमेंट है वो हमारा आर वन में भी है आर टू में भी है। दिस इम्प्लाइज एक्स जेड एलिमेंट हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में भी जाएगा। इट मीन्स अगर एक्स वाई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, वाई जेड एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, तो बीच वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स और जेड का पेयर बन के एक्स जेड एलिमेंट हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में जाएगा। और ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की होती है, इसका मतलब जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो ट्रांजिटिव भी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो तीनों कंडीशन को होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी हमारा कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अगर R1 R2 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए अब जानते हैं यूनियन के बारे में कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास है
और अगर आप उनका यूनियन करें तो क्या वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के देखेंगे, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने ए सेट माना जो कि ए बी सी तीन एलिमेंट रखेगा, इसके दो इक्विवेलेंस रिलेशन माने, एक आर, ये आर भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और एस भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब अगर आप आर यूनियन एस निकालेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आर यूनियन एस निकालेंगे तो आर यूनियन एस में सभी एलिमेंट आ जाएंगे, आर के भी और एस के भी। इसका मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आर यूनियन एस, आर यूनियन एस में ए ए एलिमेंट बिलोंग करेगा, आर यूनियन एस में बी बी एलिमेंट बिलोंग करेगा, आर यूनियन एस में सी सी एलिमेंट बिलोंग करेगा, आर यूनियन एस में ए बी जाएगा, बी ए जाएगा, एंड बी सी जाएगा, सी बी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर यूनियन एस में एलिमेंट्स होंगे, और आप देख सकते हैं कि जो आर यूनियन एस हमने बनाया है ये सेट, ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं होल्ड करेगा? उसके लिए पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं। हमने मान लिया कि कोई ए बी एलिमेंट हमारा आर यूनियन एस में है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। फिर एंड हमने दूसरा एलिमेंट लिया, बी सी एलिमेंट हमारा आर यूनियन एस में है, जो कि मैंने सेट में हाईलाइट किया ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको लगानी है तो बी पेयर आपका एलिमिनेट होगा और ए का और सी का पेयर बन के आपको मिलेगा ए सी। अब आपको चेक करना है क्या ए सी एलिमेंट हमारा आर यूनियन एस में है, तो आप देख सकते हैं हमारा आर यूनियन एस जो सेट है उस पूरे सेट में कहीं पर भी ए सी बिलोंग नहीं करता है, है ना। तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू आर यूनियन एस, इसका मतलब आर यूनियन एस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, और अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी तो इसका मतलब यूनियन का जो सेट होगा दो इक्विवेलेंस रिलेशन के, वो हमारा कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएगा। एक लास्ट थ्योरम लेते हैं, लास्ट थ्योरम है हमारी, अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर, तो जो उसका इनवर्स होगा आर की पावर माइनस वन, वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। प्रूफ करेंगे इसका भी। हम मान के चलेंगे कि R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम मान के चलते हैं। और अगर R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है देन R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एंड ट्रांजिटिव भी होगा, यानी कि हम इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं अपनी थ्योरम को प्रूफ करने में। तो ये हमने मान के चले हैं, और हमें प्रूफ करना है जो आर की पावर माइनस वन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। देन टू शो डैट, प्रूफ करना है हमें कि जो इसका इनवर्स रिलेशन होगा आर की पावर माइनस वन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए अगर आपको r की पावर माइनस वन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो आपको वही तीन प्रॉपर्टी यहाँ पर r इनवर्स के लिए सेटिस्फाई करानी होगी, है ना। सबसे पहली होगी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए हमने x एलिमेंट को a में माना, अगर x एलिमेंट को a में माना और r आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिंस r जो है वो रिफ्लेक्सिव है, अगर R रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको ये कहती है कि जो XX एलिमेंट है वो हमेशा R में बिलोंग करेगा, और अगर XX एलिमेंट R में बिलोंग करता है तो उसको हम अगर उल्टा भी करें, मतलब इन पेयर को हम चेंज करें, जैसे कि ए बी पेयर को हम उल्टा करें तो वो बी ए बनता है, और आपको ये पता है अगर ए बी पेयर R में है तो बी ए पेयर किस में जाता है, R की पावर माइनस वन, यानी कि R के इनवर्स में। R के इनवर्स में हम एलिमेंटों को उल्टा करते हैं, ऑर्डर पेयर को उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक्स एक्स को उल्टा भी करते हैं तो वो भी आपको एक्स एक्स ही मिलेगा, यानी कि सेम एलिमेंट आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल करने पर इस पेयर को आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो आर की पावर माइनस वन में जाएगा, और ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए हो जाएगी। और इसका मतलब जो आर इनवर्स है उसमें भी हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आर इनवर्स कैसा होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं, दूसरी कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक।
सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्रिक। अब आर इनवर्स को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट हमने माने, एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है जो कि आर में बिलोंग करते हैं, और चूंकि आर हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक तो होगा ही, ऊपर भी मैंने आपको बताया है ये। देन अगर आर सिमेट्रिक है तो कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की, कि अगर एक्स वाई एलिमेंट हमारा आर में है तो दिस इम्प्लाइज वाई एक्स एलिमेंट भी हमारा आर में होगा, ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर इनवर्स की कंडीशन लगाते हैं। इनवर्स की कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इस एक्स वाई पेयर को उल्टा कर देते हैं, वाई को पहले लिखते हैं एक्स को बाद में लिखते हैं, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो आर की पावर माइनस वन में जाएगा एंड, और अगर आप इधर पेयर को उल्टा करें एक्स वाई एलिमेंट को हम उल्टा करें तो वो एलिमेंट हमारा आर की पावर माइनस वन में जाएगा। ठीक है, अब ये आपके दो एलिमेंट आर की पावर माइनस वन में है तो आपको फाइनली क्या मिला कि अगर हमारा कोई एलिमेंट एक्स वाई आर की पावर माइनस वन में है तो दिस इम्प्लाइज उल्टा करने पर जो एलिमेंट आएगा वाई एक्स वो भी आर की पावर माइनस वन यानी कि इनवर्स रिलेशन में बिलोंग करेगा, और इससे शो होता है कि जो आर इनवर्स है वो भी हमारा सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, उसके लिए हम तीन एलिमेंट मान लेते हैं सेट में, एक हमने x माना, एक y और एक z, तीनों एलिमेंट हमने a के लिए, ये तीनों एलिमेंट a में बिलोंग करते हैं, और चूंकि आपको पता है कि जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव होगा, सिंस r इज ट्रांजिटिव, चूंकि r जो है वो ट्रांजिटिव है, देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर एक्स वाई एलिमेंट हमारा आर में है एंड वाई जेड एलिमेंट हमारा आर में है तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनेगा, बीच वाला एलिमिनेट हो जाएगा तो एलिमेंट हमें मिलेगा एक्स जेड, एक्स जेड एलिमेंट भी हमारा आर में बिलोंग करेगा, ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब इनवर्स की अगर डेफिनेशन लगाए, इस पेयर को अगर उल्टा करें तो वाई एक्स मिलेगा जो कि आर इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा, इस पेयर को उल्टा करने पर जेड वाई मिलेगा जो कि हमारा आर इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा, है ना, इन दोनों पेयर को अगर उल्टा करें तो हमारे आर इनवर्स के एलिमेंट बनेंगे, सेम तरीके से लास्ट वाले पेयर को उल्टा करें तो जेड एक्स मिलेगा जो कि आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या देखा, देयरफॉर इस एलिमेंट को अगर हम पहले लिख दें जेड वाई बिलोंग टू आर की पावर माइनस वन, और इसको हम बाद में लिखें वाई एक्स बिलोंग टू आर की पावर माइनस वन, तो दिस इम्प्लाइज इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि जो हमारा जेड एक्स एलिमेंट है वो हमारा आर की पावर माइनस वन में बिलोंग करता है, और जब हम मिडिल वाले एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं और फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का पेयर बना के सेट में भेजते हैं तो वो प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो इससे शो होगा कि जो आर की पावर माइनस वन है वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर आर की पावर माइनस वन ट्रांजिटिव है इसका मतलब आर की पावर माइनस वन यानी कि जो आर इनवर्स रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप लास्ट में कह सकते हैं कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन और इनवर्स को लेकर के मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई आज के लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कंपोजिट रिलेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।